ओम नमः शिवाय। दोस्तों, रात्रि का एक ऐसा फल जिसको महादेव पर चढ़ा देने मात्र से ही शिव को, मनचाही इच्छा को, शिव कृपा को तथा मेरे महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का उससे धीरे धीरे उसका घर परिवार नौकरी से छूटता ही चला जा रहा हो, या उसका सब कुछ छिन गया हो, या फिर जिस व्यापार को वो करना तो चाहता है लेकिन वो घटता ही चला जा रहा है, या वह जिस भी नए व्यवसाय को शुरू करता है उसमें उसे उन्नति ही नहीं हो रही है, रुपया ही नहीं जुट पा रहा हो, कोई उधार भी देने के लिए तैयार ना हो, उसके जीवन में चारों ओर से दुख ही दुख हो, कुछ ना समझ आ रहा हो कि क्या करें, तब शिव मंदिर में आरती हो जाने के बाद प्रदोष काल में शिव मंदिर में एक धतूरा लेकर पहुंच जाएं। उसके बाद विश्वास के साथ दिल से अपने दुख को स्मरण करते हुए, अपने सुखों की कामना करते हुए उस धतूरे को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फिर आप खुद देखना कैसे तत्काल आपकी ज़िंदगी में नए नए बदलाव आएंगे। लेकिन याद रखना, दिन में आप महादेव की जैसी भी पूजा अर्चना करते हैं ठीक वैसी ही आपको कर लेनी है। जो जो भी आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उसे दिन में ही चढ़ा देना। केवल रात्रि को प्रदोष काल में आप महादेव को धतूरा ही अर्पित करेंगे। और वैसे भी जो भी व्यक्ति महादेव को रोजाना एक धतूरा अर्पित करता है उसके जीवन से दुखों का नाश हो जाता है और उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। उसकी हर मनोकामना महादेव शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव होते ही रहते हैं।